नॉर्मल जो टनल होती है वो यू शेप अगर ले हम, उल्टा यू शेप होता है, यानी कागज पे ड्रॉ करके बताएं, ये नॉर्मल जब स्टोन होता है पहाड़ पहाड़ वाली जब जगह, मतलब बहुत मजबूत पहाड़, बहुत चट्टानों वाला जो एरिया होता है उसमें टनल इस तरह की बनती है। ऐसा यू शेप को अगर उल्टा करें हम, यू शेप इस तरह से बनती है। और हिमालयन टनलिंग मेथड में इसकी शेप परिवर्तित करके इस तरह से बनाई जाती है। इस तरह से बनाई जाती है, इससे पहाड़ की जो पूरी ताकत, पहाड़ का जो लोड है वो लोड इस टनल का, इस डिजाइन से अच्छे से, इस शेप के कारण उसका इंपैक्ट हो जाता है। तो ये ध्यान में रखा गया, ये एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जिसकी दुनिया में एक अच्छी चर्चा है। और जो बाकी जगह जहाँ पे चट्टाने होती है वहां पे जो टेक्नोलॉजी होती है उसको कहते हैं एनएटीएम। एनएटीएम के कंपैरिजन में अभी एक एचटीएम के नाम से ये टेक्नोलॉजी अपनी डेवलप हुई है। इसका अच्छा लाभ मिला है नॉर्थ ईस्ट में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, सब जगह इसका अच्छा लाभ मिला है टेक्नोलॉजी का। बहुत सावधानी से काम हो रहा है और प्रोग्रेस काफी अच्छी है, चाहे भानुपल्ली बिलासपुर बेरी लाइन हो या नंगल डैम से तलवारा वाली लाइन हो और चंडीगढ़ बद्दी की लाइन हो, इन सब में अच्छी प्रोग्रेस अभी हो रही है। चार स्टेशनों को हिमाचल में वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का काम भी चल रहा है, अम मंदौरा, बैजनाथ पापरौला, पालमपुर हिमाचल और शिमला, इन चारों स्टेशन का काम भी चल रहा है। और हिमाचल 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है हेरिटेज लाइन को छोड़ के। वो हेरिटेज लाइन को तो टच नहीं कर सकते क्योंकि उसमें यूनेस्को हेरिटेज के सारे नियम लागू हो जाते हैं, उसको छोड़ के बाकी सारा का सारा 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है। मैं आता हूं उत्तर प्रदेश पे, उसके बाद में एक साथ प्रश्न लेंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है, बहुत बड़ी जनसंख्या और बहुत विस्तार है प्रदेश का, इसीलिए इसके लिए बजट एलोकेशन एक बार फिर रिकॉर्ड संख्या में बजट एलोकेशन हुआ है। आप सब जानते हैं यूपीए के समय में, यूपीए के 10 वर्ष का कार्यकाल लें अगर हम, 2004 से 2014 का, तब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए, महत्वपूर्ण राज्य के लिए मात्र 1109 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता था। 1109 करोड़ का यूपीए के समय में एलोकेशन होता था। 2024-25 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए 19,848 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। 19,848 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। आप देखिए ये संख्या यूपीए की संख्या से 18 गुने ज्यादा है, 18 गुना, 18 टाइम्स ज्यादा है ये संख्या। इतना बड़ा रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है और जिस तेजी से पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में रेलवे का काम हुआ है उसका आप किसी भी पैमाने पे देखें तो वो एक नया रिकॉर्ड है। नए ट्रैक्स बनना, यूपीए के कार्यकाल में एक वर्ष में 199 यानी 200 किलोमीटर से भी कम ट्रैक्स बनते थे नए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों में फर्स्ट और सेकंड टर्म में 490 किलोमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से नए रेलवे ट्रैक बने हैं, 490 किलोमीटर पर ईयर के हिसाब से बने हैं। यानी अगर हम 10 साल का पीरियड देखें तो 4,900 किलोमीटर रेलवे ट्रैक उत्तर प्रदेश में बने हैं 10 वर्षों में। 4,900 किलोमीटर का आप मैग्नीट्यूड अगर समझो, पूरे स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क 5,000 किलोमीटर है, यानी स्विट्जरलैंड के पूरे रेलवे नेटवर्क जितना उत्तर प्रदेश में 10 वर्षों में जोड़ा गया है, इतना तेजी से काम हुआ है। उत्तर प्रदेश अब 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क बन गया है। उत्तर प्रदेश का रेलवे नेटवर्क 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया है।
टोटल उत्तर प्रदेश में जो अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उसमें 92,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 92,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और कई नए प्रोजेक्ट्स भी सैंक्शन हो रहे हैं, तो ये संख्या बढ़ती रहती है। 157 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तहत डेवलप किया जा रहा है, 157 स्टेशन को। पूरी लंबी लिस्ट है, आप सबके साथ शेयर होगी, और करीब करीब सभी बड़े और मीडियम स्टेशन को इसमें इंक्लूड किया है। और साथियों, जो फ्लाईओवर और अंडरपास है वो बनाने में एक फिर नया रिकॉर्ड बनाए, 10 वर्षों में 1,490 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस उत्तर प्रदेश में बने। ये बहुत बड़ी बात है, और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में अच्छा प्रभाव है, लोगों की बहुत बड़ी समस्या भी दूर हुई है, और रेलवे की सेफ्टी भी बहुत बढ़ी है इससे। काफी प्रोजेक्ट्स में लंबी लिस्ट है, 2 पेज 3 पेज 4 पेज बहुत लंबी लिस्ट है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की, वो मैं आपके सामने नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा जीएम साहब से, डीआरएम साहब से, आप अपने अपने क्षेत्र में सभी हमारे पत्रकार साथियों को इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताएं, किसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, कैसा काम चल रहा है, और सबका फीडबैक भी लें। कहीं पे कोई अगर समस्या है तो जरूर वो सुने, और सुन के उसका उसका निदान करें। मैं यहाँ पे रुकता हूँ और आपके प्रश्न लेता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। कुंभ के लिए साथियों बहुत ही मेजर तैयारी चल रही है, करीब पिछले 3 वर्ष पहले तैयारी चालू की गई थी, और मुझे एग्जैक्ट संख्या आपको नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन करीब करीब 40 से अधिक प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए थे, जिससे कि कुंभ में आवागमन, जो भक्तों का, श्रद्धालुओं का जो एक बड़ी संख्या में आना होता है और उसके बाद में एक साथ बड़ी संख्या में जाना होता है, उस पूरे प्रोसेस को देखते हुए शहर के अंदर जिला प्रशासन के साथ मिलके, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके, सबके साथ मिलके करीब 3 साल पहले एक बड़ी डिटेल्ड एक्शन प्लान तैयार हुआ था। उस पे हर एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार उसका रिव्यू लेते हैं, जिसमें रेलवे के प्रोजेक्ट्स का भी रिव्यू होता है, रेलवे, हाईवे, राज्य सरकार की तरफ से, जल संसाधन की तरफ से, इन सब के सब विभागों की तरफ से, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, पूरी सरकार का एक यूनिफाइड अप्रोच के हिसाब से उस पे काम कुंभ के लिए तैयारी चल रही है। और जो स्टेशन है अपना प्रयागराज स्टेशन, उसका भी रीडेवलपमेंट का काम अच्छे तरह से फेजिंग की गई है उसमें, कि पहले उस काम को करो जिस काम में श्रद्धालुओं के लिए अच्छी वेटिंग सुविधा, और जो कुंभ के स्थान के लिए जाने वाला जो जो रास्ता है उस हिसाब से उसकी तैयारी की गई है, कि क्योंकि बड़ी संख्या में स्पेशल गाड़ियां चलाई जाएंगी। आपने देखा अभी हाल ही में जगन्नाथ महाप्रभु जी के रथ यात्रा के दौरान 300 से अधिक स्पेशल गाड़ियां चलाई गई थी, वहां भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, वैसे ही यहां पर भी श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियां चलाई जाएंगी। प्लस जो 4 जोन है, 4 के 4 जोन मिलके इसका एक यूनिफाइड कमांड बनता है, नॉर्दर्न रेलवे का, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, और एनसीआर का, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का, इन सब का, चारों के चारों रेलवेज का एक जॉइंट कमांड बनता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी तैयारी चल रही है। अच्छा प्रश्न पूछा। मैं एक्चुअली इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स का रिक्वेस्ट करूंगा कि जीएम साहब और डीआरएम साहब आपको जानकारी देंगे, क्योंकि कौन सा प्रोजेक्ट आपने बोला,
वही पनवेल, फरीदाबाद और बल्लभ। वहीं से आपको देने से ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे पास फिर लिस्ट में ढूंढते में आप, मैंने जीएम साहब से निवेदन किया है, जीएम साहब, डीआरएम साहब, आप सभी पत्रकार साथियों को इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस की भी जानकारी दीजिए और फीडबैक भी लीजिए। कहीं पे किसी भी प्रोजेक्ट में अगर कहीं भी कोई दिक्कत भी आ रही है तो आप पत्रकार साथियों के जरिए से, जनप्रतिनिधियों के जरिए से फीडबैक भी लीजिए और उसका निदान भी कीजिए। उसका भी स्पेसिफिक जानकारी जीएम डीआरएम साहब देंगे। नया देखो, नई ट्रेन तो लगातार चलती ही रहती हैं, साल भर नई ट्रेन इंट्रोड्यूस होती हैं। बजट की प्रक्रिया आपने देखा कि एक नए तरीके से बजट पे सोचा गया है, रेलवे बजट पे, कि यूपीए के समय में और उससे पहले तक जनरली एक पॉपुलिस्ट मेथड में केवल एक अनाउंसमेंट्स कर देने का होता था। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे का जो मूलभूत ढांचा है उस पर फोकस करके उसके बाद में फिर सर्विसेज बढ़ाएं, इस धारणा के साथ हमेशा काम किया है। इसलिए आपने देखा कि 10 वर्षों में 31,000 किलोमीटर नए रेलवे लाइन बनी है, मतलब पूरे जर्मनी का नेटवर्क 35,000 किलोमीटर है। आप सोचो, इतने बड़े एक समृद्ध देश का नेटवर्क 35,000 किलोमीटर है, उतना करीब करीब उतना 31,000 किलोमीटर 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे में देश में जुड़ा है। इतना बड़ा मूलभूत ढांचे में परिवर्तन लाना एक देश के लिए कई कई वर्षों के लिए बुनियाद बनती है, फाउंडेशन बनती है। इसी भावना के साथ काम चल रहा है, इसीलिए बहुत फोकस है। जहां पर भी बॉटलनेक्स है उनको रिमूव करें, जहां पर भी डबलिंग की जरूरत है वहां डबलिंग करें, जहां थर्ड लाइन की जरूरत है वहां थर्ड लाइन लाए, जहां पर भी अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स की जरूरत है वो बनाए। बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से काम चल रहा है, बहुत सेफ्टी पे फोकस है। जैसा मैंने आपको बताया, 262,000, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आपकी बात सही है, हर जान कीमती होती है। बहुत सावधानी के साथ रेलवे को चलाने का प्रयास रहता है और जो अभी प्रयास हुए हैं, जितना सेफ्टी पे ध्यान दिया गया है, अगर उसमें आप किसी भी पैरामीटर पे देखें, जैसे रेल फ्रैक्चर्स में 85% की कमी आई है, 2014 के कंपैरिजन में लें तो 10 वर्षों में 85% की कमी आई है, एक्सीडेंट्स में 60% की कमी आई है। फिर भी लगातार प्रयास है, लगातार प्रयास है कि हर तरह से हमारे यात्रियों की सुरक्षा पे प्रायोरिटी टॉप मोस्ट रहे और हर इंसिडेंट में ये ध्यान, जो स्टैट्यूटरी हमारी व्यवस्था है कमिश्नर रेल सेफ्टी की, उनके माध्यम से जो रिकमेंडेशन आता है जांच के बाद में, उस रिकमेंडेशन पे तुरंत उस पर एक्शन लेना, सिस्टम में चेंज करना, ऑपरेटिंग प्रैक्टिस में चेंज करना, बेटर ट्रेनिंग करना, नई टेक्नोलॉजी लाना, इन सब पे पूरी तरह से ध्यान है। आप देखो, दुनिया भर में जो अपना कवच है, कवच का इक्विवेलेंट दुनिया भर में 1980-1990 के दशक में कंप्लीट हो गया था, तो मतलब 58-50-60 साल तक जो कांग्रेस की सरकारें रही उन्होंने अपने समय में क्या किया। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले 2016 में कवच के डेवलपमेंट को स्टार्ट करवाया, 19 में उसका सर्टिफिकेशन हुआ, एक दो साल कोरोना के निकले फिर भी उस दौरान भी काम चलता रहा और 2022 से तेजी से इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ। अभी पिछले हफ्ते जो कवच का वर्जन 4.0 है, वर्जन 4.0 जो कि देश की सारी परिस्थितियों को केटर करता है, यानी देश का अपना नेटवर्क बहुत डाइवर्स नेटवर्क है, कहीं पे किस तरह का सिस्टम है, कहीं पे किस तरह का सिस्टम है, नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, ईस्ट में अलग तरह के चैलेंजेस हैं, इन सब को, क्योंकि गाड़ी तो कोई एक एरिया में रहेगी नहीं, गाड़ी तो जहां से निकलेगी पूरा देश को कवर करती है, इसलिए हर तरह की परिस्थितियों को लेते हुए सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, डिजाइन में सब चीजें आए, तो उसका कवच 4.0 लास्ट वीक अप्रूव हुआ है। अब वो फ्रीज हो गया डिजाइन, यानी वो डिजाइन उसका फाइनल डिजाइन हो गया। अब उस फाइनल डिजाइन को लेके आगे तेजी से करीब करीब मेरे ख्याल से 10,000 लोगों का सैंक्शन होने वाला है अभी कवच का, और एक बहुत ही तेजी से अब काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि वेट बेसिकली जो
पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस है, हर तरह की परिस्थिति को लेते हुए डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। तो ये भी एक रिकॉर्ड समय है, क्योंकि बाकी देशों ने, जैसे जर्मनी जैसा बड़ा देश है, या यूरोप का कोई, फ्रांस, कोई भी देश ले लें जो बड़े देश हैं, उन देशों में कवच लगाने, कवच जैसी प्रक्रिया लगाने में 20-20 साल लगे। यहाँ टारगेट तेजी से काम करने का है। मोदी जी का हमेशा प्रयास रहता है कि काम में स्केल और स्कोप दोनों बढ़े, तो उसी भावना के साथ काम कर रहे हैं। अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, तो लगातार हर हफ्ते करीब करीब एक गाड़ी निकल के लगती जा रही है। अब तो ये रेगुलर प्रोसेस में आ गया है। 75 से तो बहुत ज्यादा आगे जाना है, वो तो शुरुआत थी। सर, एक सवाल ये है कि 19-20 में जो ट्रैफिक का नंबर्स था जून वाइज, कैन वी गेट द लेटेस्ट 700 लास्ट ईयर 700 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में नंबर मिल जाए। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 700 करोड़ टोटल पैसेंजर्स ट्रैवल किए, 700 करोड़। 19-20 वाला कोविड वाला पीरियड था, 20 में कोविड है, मार्च में आया 19-20, 600 के आसपास रहा होगा, एग्जैक्ट नंबर आपको दे देंगे। अब 700 करोड़ क्रॉस कर गया ऑलरेडी, और इस बार तो समर में करीब 10,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन्स चली हैं, तो संख्या और भी बढ़ेगी। और आगामी छठ और दिवाली का जो पीक सीजन होता है ट्रैफिक का, उसके लिए भी अलग से व्यवस्था चल रही है। मैं आपको बताऊं, पूरे देश भर में, मैं बताता हूं, पूरे देश भर में करीब 81 लॉजिस्टिक सेंटर्स, गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स कंप्लीट होके काम में आ गए, मतलब कमीशन हो गए, कंप्लीट हो गए, काम में लग गए। और इसका इतना बड़ा प्रभाव है, इतना अच्छा प्रभाव है कि मतलब उस पूरे एरिया की इकोनॉमी बदल जाती है। और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा, कुछ टर्मिनल्स आप जाके देख के आए कितना इसका इम्पैक्ट पड़ता है आसपास की इंडस्ट्री को, और सड़क पे उसका फिर लोड कम होता है, फिर एक ग्रीन इको फ्रेंडली मोड से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होती है। आपको ध्यान होगा कि पिछले बजट में 100 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स का सैंक्शन हुआ था, उसमें से, और 3 साल का टाइम फ्रेम था, 3 साल में 100 बनाने, ऑलरेडी करीब 2 साल हुए करीब करीब, उसमें 81 बन चुके हैं, और भी तेजी से आगे चल रहा है काम। हमें लगता है कि 3 साल का जो टाइम फ्रेम था जिसमें 100 का था टारगेट, उसकी जगह करीब 110-115 के आसपास बने। अब बहुत तेजी से चलेगा, और ये थोड़ा सा अभी इसका एग्जैक्ट एस्टिमेट बनाना, समय का एस्टिमेट लगाना, इसमें थोड़ा और समय लगेगा। अभी जिस तरह से कवच 4.2 रिकॉर्ड टाइम में डिजाइन कंप्लीट होके फ्रीज हुआ, वो अपने आप में एक बहुत एनकरेजिंग विषय है। अब पहला स्टेप ले रहे हैं कि 10,000 इंजिन्स पे लगातार तेजी से कुछ ही समय में, पूरे देश भर में चलते हैं। कवच को आपको देखने के लिए, उसको कवच के 5 बड़े सबसिस्टम्स हैं, पूरा का पूरा ट्रैक के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल लगता है। जैसे टेलीकॉम का नेटवर्क है, एयरटेल हो, जियो हो, बीएसएनएल हो, उतना ही बड़ा टेलीकॉम का नेटवर्क कवच के सिस्टम में लगता है। यानी आपको हर 5-5, 6-6 किलोमीटर पे टेलीकॉम के टावर्स लगाने पड़ते हैं। हर स्टेशन पे एक डेटा सेंटर बनता है, वो डेटा सेंटर स्टेशन के साथ लगे हुए जितने भी सिग्नल होते हैं, यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में जितने भी सिग्नल्स होते हैं, वो सिग्नल्स उस डेटा सेंटर के साथ इंटीग्रेट किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को उसके साथ इंटीग्रेट किया जाता है। फिर जो ट्रैक्स है, ट्रैक के ऊपर RFID का डिवाइस लगता है,
नहीं, पद की भी मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो नहीं लूंगा, सारे प्रश्न लूंगा, आप निश्चिंत रहें। लेकिन एक इन्होंने पूछा है तो उस प्रश्न का जवाब सुनना भी आपको पेशेंटली चाहिए। जवाब अगर मैं इतना डिटेल में दे रहा हूँ तो आपको भी सुनना चाहिए, उतना तो हमारे बीच में शिष्टाचार होना चाहिए ना। तो इसको लगाने के लिए हमको, और उसके बाद में फिर लोगों के ऊपर डिवाइस लगता है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है। इसकी प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी जैसा आपने समझा, प्रैक्टिकली इतना मैसिव काम इसमें होने वाला है आगे। तो हर एक इसका जो सब सिस्टम है, हर एक सब सिस्टम पे काम किस पद्धति से होगा, उसमें टेक्नोलॉजी कैसे लगेगी, काम किस स्पीड से होगा, वो सारी की सारी चीजें डिजाइन के दौरान फ्रीज करना जरूरी होती है, तभी आप तेजी से आगे। जैसे श्रीधरन साहब मेरे, मैं बहुत मानता हूँ श्रीधरन साहब को, श्रीधरन साहब हमेशा ये चीज सिखाते थे, प्लानिंग करने में चाहे आप एक साल एक्स्ट्रा लगा लो तो आपका काम करने के टाइम में उतना ही समय बचेगा, ऐसा श्रीधरन साहब हमेशा सिखाते थे यंग इंजीनियर्स को। तो वो हमेशा कहते थे कि प्लानिंग पे बहुत फोकस करो तो आपका एग्जीक्यूशन आसान होगा, और एग्जीक्यूशन के दौरान जो तकलीफें आने वाली होती हैं वो बच जाएंगी। तो इसीलिए बहुत डिटेल्ड में इसकी प्लानिंग हुई है। मैंने स्वयं ने कई, मतलब अगर केवल कवच और सेफ्टी और मेंटेनेंस पे अगर देखोगे तो इतना समय स्वयं ने दिया एक एक डिटेल पे जाने में, तभी जाके चीजें। तो अब कवच उस पोजीशन में आ गया है कि तेजी से आगे बढ़ सके। तो अभी 10,000 लोकोमोटिव्स और जो रेलटेल का एग्जिस्टिंग ऑप्टिकल फाइबर है उसका उपयोग, प्लस नया फाइबर लगाने का उपयोग, प्लस स्टेशन पे डेटा सेंटर, इन सबको पैरेलल में चलाएंगे। तो मैं आपको बहुत जल्दी इसकी जानकारी भी दूंगा कि कितना टोटल फेज वाइज होगा। आपका प्रश्न जो रिक्रूटमेंट का है, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के 10 वर्षों में 411,000 रिक्रूटमेंट रेलवे में किया गया था, मोदी जी के 10 वर्षों में 504,000 रिक्रूटमेंट हुआ है। मतलब कांग्रेस के 4 लाख, मोदी जी के 5 लाख रिक्रूटमेंट हुआ है। दूसरा, पिछले दिसंबर नवंबर के आसपास मैसिव रिक्रूटमेंट प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है, जिसमें 1,40,000 के आसपास टोटल रिक्रूटमेंट, टोटल जॉब्स रेलवे में दिए गए। 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट्स थे, 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट्स थे, डायरी लाना, 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट्स थे। 300-400 शहरों में एग्जाम हुआ, 15 भाषाओं में एग्जाम हुआ, 15 भाषाओं में 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट्स, कहीं पे कोई भी एक भी कंप्लेंट नहीं, और 1,40,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट कंफर्म लेटर और सब ज्वाइन कर गए। बहुत मैसिव एक्सरसाइज हुई है, बहुत मैसिव एक्सरसाइज हुई है। आप इसको सीरियसली लीजिए, इतना बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव और इतना स्मूथ तरीके से, जिसमें कहीं पर कोई एक सिंगल कंप्लेंट नहीं, और हर चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया। इतना ध्यान रखा गया कि कई स्टेशन, कई सेंटर्स जिसमें एक आशंका थी कि लोग, स्टूडेंट्स कई जगह डिटेक्ट हुआ था कि अंगूठे के ऊपर कुछ लगा के आते थे जिससे कि उनका आधार वेरिफिकेशन गड़बड़ हो जाए, तो वहां पे ऐसी ऐसी इतने प्रिकॉशंस रखे गए कि कैंडिडेट्स को पानी के अंदर, मतलब अंगूठा भिगो के वहां पे अगर कुछ लगा हुआ तो हटा के फिर बाद में आधार वेरिफिकेशन, इस डिटेलिंग में गए। और जैसे ही वो साइकिल कंप्लीट हुई नवंबर दिसंबर में, डायरी लाना, बड़ी वाली डायरी, ब्लू डायरी। तो इतना ध्यान रखा गया है और इतनी केयर रखी गई, और जैसे ही वो साइकिल कंप्लीट हुई तुरंत नई साइकिल चालू हुई है, तुरंत ही नई साइकिल चालू हुई है। आपको जानकारी है जनवरी फरवरी से लेके अब तक टोटल 32,000 वैकेंसीज का ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकल चुका है, और वर्षों से जो बहुत बड़ी डिमांड थी कि एनुअल कैलेंडर होना चाहिए, तो एनुअल कैलेंडर पब्लिश किया गया है, जिसमें जनवरी महीने में, अप्रैल के महीने में, जुलाई के महीने में और अक्टूबर के महीने में, इन 4 महीनों में आपके जो वैकेंसीज की 4 अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, उन वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी होता है। तो बहुत बड़ी एक
एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है रेलवे के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में। फिर ट्रेनिंग उतनी ही जरूरी होती है, क्योंकि रेलवे पूरा का पूरा टेक्निकल विषय है, रेलवे पूरा का पूरा ऑपरेटिंग और टेक्निकल विषय, तो साथ ही साथ ट्रेनिंग की व्यवस्था बहुत ही बड़ा काम है। सर ये जो आपने बताया कि जो कवच है ये 50 साल पहले वहीं पर लग गया, तो ये 50 साल में वहां कोई नया डेवलपमेंट हुआ उसको हमने ड्रॉप नहीं किया? बिल्कुल, उससे काफी ज्यादा एडवांस है अपना जो यूरोप का सिस्टम है ना। यूरोप के सिस्टम से जो दुनिया में दूसरी जगह सिस्टम्स चलते हैं उनसे सिग्निफिकेंटली एडवांस्ड है, काफी एडवांस है उससे, क्योंकि वो जो उस जमाने में लगाए उस जमाने के टेक्नोलॉजी पे और आज के टेक्नोलॉजी में बहुत डिफरेंस है, तो अब सिग्निफिकेंटली बेटर है। कॉस्ट भी उससे पहले से बहुत कम है, उनके जो सिस्टम्स थे उसकी कॉस्ट से करीब करीब 30-40% कम है। मैं एग्जैक्ट नंबर मत लेना इसको, क्योंकि वो डिपेंड करेगा टेरेन पे, किसी टेरेन में ज्यादा कॉस्ट आती है किसी टेरेन में कम आती है। मान लो पहाड़ वाला एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें कॉस्ट ज्यादा आती है, और जो एकदम प्लेन है उसमें कॉस्ट कम आती है, क्योंकि प्लेन में आप 10 किलोमीटर पे एक टावर लगा सकते हो और पहाड़ी क्षेत्र में आपको 2-2 किलोमीटर पे भी एक एक टावर लगाना पड़ सकता है। नहीं, जीपीएस से नहीं होता। जीपीएस की जो एक्यूरेसी होती है करीब करीब 8-10 मीटर होती है, दो पटरी के बीच में गैप होता है वो 3 मीटर का होता है, तो आप जीपीएस से लोगे अगर सिर्फ ना तो ऐसा लगेगा कि इस पटरी पे चल रहा है उस पटरी पे चल रहा है, वो पता नहीं चलेगा। और सेफ्टी के जो सिस्टम्स होते हैं इनको वाइटल सिस्टम्स बोलते हैं। वाइटल सिस्टम्स में क्या होता है कि इसमें कम से कम 3 अलग अलग तरीकों से सूचना लेते हैं, मतलब लोको जो सूचना लेता है ना अपनी, चाहे स्पीड की हो अपनी लोकेशन की हो, हर चीज का 3 अलग अलग तरीके से जानकारी लेता है, उन तीनों को एक साथ मिलाता है और उसके बाद में उसके ऊपर फैसला लिया जाता है कि ब्रेक लगाना या चलते जाना या स्पीड कम करनी है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है और इसका सर्टिफिकेशन जो होता है वो सर्टिफिकेशन SIL-4 सर्टिफिकेशन कहते हैं उसको, SIL-4 सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4। SIL-4 सर्टिफिकेट लेने में किसी भी सिस्टम का कम से कम 2-3 साल लगते हैं, उसका सर्टिफिकेशन का प्रोसेस इतना मतलब डिटेल्ड और टफ होता है। तो उसका कवच को SIL-4 सर्टिफिकेट लिया है, बहुत मेहनत हुई है इसमें। आप मतलब अगर आप इसकी गहराई में जाओगे तो आपको लगेगा कि एक गौरव होगा आपके कि रेलवे में किस तरह से एक बहुत एक अलग तरीके से आज काम हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। सर, दिल्ली और कलकत्ता के बीच जो एक प्लान था बुलेट ट्रेन का, उसका कोई? देखो, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 3 नए कॉरिडोर की घोषणा है। उसमें अभी एक पश्चिमी भारत में चल रहा पहला प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद वाला, और मैनिफेस्टो में हुआ है कि एक उत्तर में होगा, एक पूर्व में होगा और एक दक्षिण में होगा, एक नॉर्थ में, एक ईस्ट में, एक साउथ में। अगले जो 3 कॉरिडोर लेंगे वो इस तरह से लेंगे, ठीक समय आएगा तो उसके बारे में और जानकारी देंगे। अभी बहुत सिग्निफिकेंटली कम हुई है, लेकिन फिर भी काफी चीजें नई हुई है। मैं आपको बताऊं, करीब करीब 100 नई किचन्स, बड़ी किचन्स बन रही है, बल्कि बन के करीब उसमें से 26-27 तो कंप्लीट भी हो गई है, तो 100 नई किचन्स बन रही है देश भर में, जो कि बड़ी किचन्स बन रही है जिससे कि खाने की क्वालिटी पे पूरा कंट्रोल रहे। दूसरा, बहुत जगह पेंट्री कार की, बहुत जगह क्या, करीब करीब पूरे देश में ही पेंट्री कार की डीप क्लीनिंग की एक व्यवस्था की गई है। रेगुलर एक नॉर्मल क्लीनिंग हो और दूसरी डीप क्लीनिंग हो, तो एक रेगुलर समय पे डीप क्लीनिंग की व्यवस्था की गई है। और अभी हाल ही में IRCTC ने एक AI सिस्टम भी लगाया है। उस AI सिस्टम के जरिए मान लो जो शेफ खाना बना रहा है उसने अगर सिर पे कैप नहीं लगाया है तो AI सिस्टम तुरंत अलर्ट कर देता है। अगर वहां पे कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी दिखाई देती है किचन में, AI सिस्टम उसको तुरंत अलर्ट कर देता है। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था अपने आप में एक अच्छा इसका इम्पैक्ट आ रहा है। साथ ही देश के कई क्षेत्रों में अब रीजनल क्विजीन भी देना चालू हुआ है। साउथ में करीब करीब अब हर ट्रेन में साउथ इंडियन क्विजीन मिलता है, वेस्ट में अलग मिलता है, ईस्ट में मिलने लगा, तो एक नई पद्धति से चालू हुआ। और खाने की कंप्लेंट्स पहले की तुलना में काफी कम हुई, लेकिन खाने में हमेशा और भी मेहनत करते रहना पड़ता है। ये ऐसे
चल रहा है, चालू हो गया ऑलरेडी, चालू हो गया है।